नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका स्वागत अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम खेल ग्रहों का में। जो ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं उन सभी का अभिनंदन और आभार। आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं इसका अर्थ यही है कि आप ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, वैदिक मान्यताओं में विश्वास रखते हैं और आप अपने जीवन को सफल, अच्छा, सुखी बनाना चाहते हैं और इसमें कुछ गलत नहीं है। हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है और हर व्यक्ति अपने जीवन में ज़्यादा सुखी, ज़्यादा संपन्न, ज़्यादा वैभवशाली बनना चाहता है, क्योंकि इस युग में जो व्यक्ति धनी है वही व्यक्ति सुखी और वही व्यक्ति समझदार माना जाता है। अतः सफलता का आईना व्यक्ति की लाइफस्टाइल और उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ से जोड़ा जाता है और इस स्ट्रेंथ को बनाने में, इस स्ट्रेंथ को मेंटेन रखने में ज्योतिष आपकी सहायता करता है। सहायता कैसे करता है? जब समय बलवान हो और उस समय आप कोई भी प्रयास करें, कोई भी एफर्ट करें, उसमें आपको कम एनर्जी में ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है, ज़्यादा आपको स्पीडली राइज मिल सकती है, अचीवमेंट इन प्रोग्रेस मिल सकती है। और यही यदि टाइम नेगेटिव हो तब क्या होगा कि आप एफर्ट तो कर रहे हैं लेकिन उसमें आपको सक्सेस कम मिल रही है या सक्सेस नहीं मिल रही है, आप अनसेटिस्फाइड हो रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और आप इरिटेटिव होकर के काम में और ज़्यादा उलझ रहे हैं। तो जो आपको सपोर्ट मिलना चाहिए, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है और ज्योतिष या ये बोल सकते हैं प्रेडिक्शन इसी मामले में आपकी सहायता कर सकता है। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका टाइम ऑफ बर्थ है, जो आपका प्लेस ऑफ बर्थ है, उससे एक कुंडली बनती है जिसको वैदिक भाषा में जन्म कुंडली कहा जाता है और जन्म कुंडली बहुत लंबी, बहुत विशाल, बहुत विस्तृत हो सकती है लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए जन्म कुंडली पर्याप्त होती है। जो हम प्रिडक्शन कर रहे हैं, जो हम इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको बता रहे हैं, वह मून साइन के अनुसार है। अतः जो ज्योतिष में चंद्र कुंडली है उससे संबंधित विश्लेषण हम कर रहे हैं, क्योंकि जिसको चंद्रमा कहा जाता है, चंद्रमा का तत्व है चंद्रमा मनसो जात, जो मन का अधिपति वो चंद्रमा है। आपको सुख, आपको प्रसन्नता और ये सब किससे मिलेगी? हृदय से। आप जब खुश हैं तो बोलते मैं दिल से खुश हूँ और आप जब दुखी हैं तो क्या बोले मैं मन से दुखी हूँ। तो सब चीज़ में इन्वॉल्व मन होता है। मन खुश है इसका मतलब आप अपनी ज़िंदगी में सुखी हैं, प्रसन्न हैं। तो कोई भी ग्रह जब चेंज होगा गोचर में तो सबसे पहले मन पर अपना प्रभाव डालता है, उसके बाद मन के बाद में मस्तिष्क पर अपना प्रभाव डालता है और उसके बाद में आपके शरीर पर, आपके पारिवारिक जीवन पर और आपके सर्कमस्टांसेस पर अपना असर डालता है। तो आज हम बात कर रहे हैं मंगल की। मंगल जो कि ग्रहों का सेनापति कहा जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है, मंगल सेनापति है। सेनापति अपनी खुद की राशि में आ रहे हैं, अपने खुद के घर में आ रहे हैं और उससे भी बड़ी बात कि सेनापति मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर बाकी सभी ग्रह दो दो राशि को रिप्रेजेंट करते हैं, दो दो राशि पर नियंत्रण रखते हैं। मंगल भी मेष और वृश्चिक राशि पर नियंत्रण रखते हैं और मेष राशि उनकी सबसे प्रिय राशि, मूल त्रिकोण राशि का अर्थ यही है। मेष राशि में मंगल 5 फरवरी की रात्रि को 11:45 पर मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं और इस प्रवेश से हर राशि पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उनके अपने जीवन पर, उनके अपने, चाहे वो बिजनेस हो, कार्य क्षेत्र हो, नौकरी हो या उनके पारिवारिक जीवन पर, यदि कोई खिलाड़ी है तो उसके ऊपर कैसा व्यवहार हो सकता है, यदि कोई बिजनेस है तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यही सब जानना हमारा उद्देश्य है और इस प्रोग्राम का उद्देश्य भी हमारा यही है। तो बात करते हैं मेष राशि से। जिन व्यक्तियों की जन्म राशि मेष राशि है, फर्स्ट राशि है, इसका मतलब एरिस है मून साइन, उनके लिए मैं ये बात कर रहा हूं कि मंगल आपकी राशि के फर्स्ट हाउस में 5 फरवरी 2019 की रात्रि को प्रवेश कर चुके हैं और इस राशि परिवर्तन से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी स्ट्रेंथ और एनर्जी बढ़ेगी, आपकी ज़िंदगी में जो साझेदार हैं, जो भी आप बिजनेस करते हैं, जो भी आपका ग्रुप है उसके अंदर आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वैल्यू, आपकी गुडविल यह बढ़ेगी। अब मंगल मेष राशि में आने से उसकी फोर्थ दृष्टि, यहाँ पर दृष्टि का अर्थ है कि ग्रहों के अंदर
सभी ग्रह अपने से सामने आता 180 डिग्री पर सभी ग्रह देखते हैं, लेकिन कुछ ग्रहों को विशेष दृष्टियां प्राप्त है। जैसे मंगल को फोर्थ और एट्थ दृष्टि है, शनि को थर्ड और टेंथ दृष्टि है, बृहस्पति को फिफ्थ और नाइन्थ विशेष दृष्टि है, राहु को फिफ्थ और नाइन्थ, केतु को फिफ्थ और नाइन्थ, इन ग्रहों को विशेष दृष्टियां प्राप्त है। सूर्य और चंद्रमा अपने से 180 डिग्री पर हमेशा देखते हैं, राहु और केतु हमेशा उल्टे चलते हैं, अर्थात वो 12th, 11th, 10th इस ढंग से चलेंगे। तो मंगल मेष राशि में होने से उसकी कर्क राशि पर दृष्टि है, और मेष राशि में कर्क राशि अर्थात फोर्थ हाउस सुख का है, तो मेष राशि से फोर्थ हाउस जहाँ पर कि वह नीच राशि का हो जाता है उस भाव पर दृष्टि डाल करके वो आपका यदि कोई निर्माण कार्य चल रहा है, मकान का काम चल रहा है, कोई घर में इंटीरियर से रिलेटेड काम चल रहा है, ऐसा कोई काम, वो काम रुक सकता है, उस काम में बाधाएं आ सकती है, आपके घर में जो वातावरण है उसमें मनमुटाव हो सकता है, क्योंकि मंगल की अपनी दृष्टि नीच राशि पर है, और मंगल का मतलब उत्तेजना, मंगल का मतलब आवेश, मंगल का मतलब क्रोध, गुस्सा, जिद, यह सब मंगल का है। स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसको बोलते हैं वो मंगल है, जो लड़ाई पर आमादा हो जाए वह मंगल है। और इसी मामले में कहा जाता है कि मंगली कुंडली, तो जिसकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में मंगल है उसे मंगली कुंडली कहा जाता है, फोर्थ हाउस में, सेवन्थ हाउस में, एट्थ हाउस में और ट्वेल्थ हाउस में मंगल हो तो उसे मंगली कुंडली कहा जाता है। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि तीन लग्न की मुख्य प्रधानता है, जन्म लग्न, सूर्य लग्न, चंद्र लग्न, तीन लग्नों से मंगली कुंडली चेक की जाती है। और एडवांस स्टेज पर चले जाए अगर और प्रोफेशनल बात करें तो शनि, शुक्र और राहु से भी मंगली कुंडली चेक की जाती है, छह ढंग से मंगली कुंडली चेक होती है, तो ज़्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि मैं मंगली हूँ या नहीं, लेकिन जब कुंडली विश्लेषण करते हैं तब ध्यान पड़ता है चंद्र लग्न से मंगली है, तब ध्यान पड़ता है सूर्य लग्न से मंगली है, या कई लोग ये ज्योतिषी बोलते हैं कि आप डबल मंगली या ट्रिपल मंगली है, मंगली सिर्फ एक ही होता है, डबल या ट्रिपल नहीं होता है, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ना आवश्यकता है। और मंगल, जो भी व्यक्ति मंगली है, ना तो उनके कोई सींग निकले हुए हैं, ना उनके अंदर कोई लाल बत्ती जग रही है कि आप उनको देख करके सावधान हो जाए, मंगल दोष नहीं देता है, मंगल सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन है शादी के संदर्भ में कि मंगली कुंडली है, मंगल का मतलब उत्तेजना है, मंगल का मतलब आवेश है, क्रोध है, जोश है, जुनून है, तो आपका लाइफ पार्टनर भी वैसा नहीं होगा, तो अनसेटिस्फाइड मैरिटल रिलेशन की वजह से जिंदगी के दूसरे हिस्से खराब हो सकते हैं, आपका ध्यान बार बार उस सुख की ओर ही जाएगा जिससे सुख आपको पूरा नहीं मिल रहा है या असंतुष्ट है। इस सिंपल सी बात को हमारे ऋषि महर्षियों ने एक सिद्धांत के रूप में डाल दिया कि मंगली कुंडली की शादी मंगली कुंडली से हो, अगर मंगली कुंडली से नहीं होती है तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा या आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी, थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होने की जरूरत है, प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ जो लोग बोलते हैं उन्हीं को मान करके अपनी ज़िंदगी खराब मत कीजिए। हमारा उद्देश्य यहाँ पर मंगल के राशि परिवर्तन को आपकी ज़िंदगी में क्या घटेगा उसके ऊपर बोलना है या उसका विश्लेषण करना है। अब मंगल की आठवीं दृष्टि कुंडली में एट्थ हाउस पर जाएगी जहाँ पर कि उसकी अपनी स्वराशि है, इसलिए मंगल वहाँ देख करके आपका गुस्सा, आपका जोश, जुनून बढ़ाएगा, लेकिन इस जोश और जुनून में आगे बढ़ करके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है या बहुत ही ज़्यादा स्पष्टवादी नहीं बनना है। बहुत बार लोग बहुत साफ साफ बोलते हैं मैंने गलत कुछ नहीं बोला, लेकिन जो आपने इतना स्पष्टवादी होकर के बोला है वो किसी दूसरे को बहुत बुरा लगा है उस, और बोलने से घाव जो होते हैं वो कभी भरते नहीं, दूसरे घाव भर जाते हैं, गोली मार दीजिए ठीक, यदि व्यक्ति बच गया तो हो सकता है वो ठीक भी हो जाएगा, लेकिन बोली के घाव नहीं भरेंगे, इसलिए सावधानी से आपको ज़िंदगी को चलाना चाहिए। और जहाँ तक हो मैं एक सिद्धांत के रूप में सबको बताता हूँ कि जब भी आपको गुस्सा आ जाता है आप वो स्थान छोड़ करके थोड़ी देर घूम करके आ जाइए, और या फिर अपने दिमाग में ये बिठा दीजिए कि मैंने इसका इमीडिएट रिएक्शन नहीं करना है, मैं सोच समझ करके इसका जवाब दूंगा। इस पॉइंट पर आप आ जाएंगे तो काफ़ी कुछ आपकी ज़िंदगी में ठीक हो जाएगा। सब मिला करके जो पर्संस लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड होम अप्लायंसेस, एसिड, सॉल्ट, पेंट्स, इनसे रिलेटेड बिजनेस में है, उन लोगों को इस राशि परिवर्तन से जरूर फायदा मिलेगा, जरूर गेन बढ़ेगा, और आगे जाकर के अर्थात 5
जुलाई 2019 के बाद में काफ़ी ज़्यादा स्पीडली अचीवमेंट प्रोग्रेस के योग भी बनेंगे। एक चीज़ और है कि इस समय बृहस्पति आपकी राशि से 8th चल रहे हैं, जो ही बृहस्पति 29 मार्च 2019 से लगा करके 23 अप्रैल 2019 तक राशि से 9 चले जाएंगे, और ये हमेशा नहीं होता है, सिर्फ कभी कभी कोई भी ग्रह अतिचारी होकर के बहुत स्पीड में अगली राशि पे चले जाते हैं, फिर उनको वापस आना पड़ता है। 2019 के एंड में जाते जाते बृहस्पति आपको क्या फल देगा, इसकी ट्रेलर आपको 2019 के स्टार्टिंग में ही दिखने वाली है, अर्थात 29 मार्च से 23 अप्रैल तक। तो ये जो राशि परिवर्तन बृहस्पति का, उसके बारे में भी हम अलग से बात करेंगे, अलग से एपिसोड बनाएंगे, लेकिन अभी आपको इस संदर्भ में बिजनेस में गेन है और आगे जाकर के वो गेन और बढ़ने वाला है। कार्ड क्या करेगा, वृष राशि का करेगा, क्या करेगा, कार्ड दे उसको भी इजी रहेगा वापस जोड़ना। अब बात कर रहे हैं वृष राशि की। वृष राशि को मंगल राशि से 12th हाउस में प्रवेश हुआ है, और इसके राशि प्रवेश से 3rd हाउस पर दृष्टि होगी मंगल की नीच राशि, फिर कुंडली में 6th हाउस पर उसकी दृष्टि पड़ेगी और 7th हाउस पर उसकी दृष्टि पड़ेगी। तो 12th हाउस में मंगल होने से, 12th हाउस का मतलब है सबकॉन्शियस माइंड, 12th हाउस का मतलब होता है अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, एक्सीडेंट, एक्सपेंसेस, वेस्ट के एक्सपेंसेस, इन सब चीज़ों का मतलब मंगल के आने से एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। 12वां घर लेफ्ट आई का भी है, तो आँखों से संबंधित कमजोरी या आँखों पर कोई चोट लग सकती है, वो ध्यान रखने की ज़रूरत है। मंगल 12th हाउस में आकर के आपको यात्राएं करवाएगा। जो व्यक्ति एब्रॉड में यात्रा करने के इच्छुक हैं या एब्रॉड जाने के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, उनको एब्रॉड के लिए सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि मंगल एब्रॉड का मालिक भी है, मंगल एब्रॉड यात्राओं का कारक भी माना जाता है कई स्थानों पर। अब मंगल की दृष्टि 3rd हाउस में है, 3rd हाउस को पराक्रम का बोला जाता है, 3rd हाउस को गुडविल का बोला जाता है, तो साथ में 3rd हाउस आपके सबॉर्डिनेट्स का भी है, जो आपके अंडर काम करते हैं वो लोग भी है, आपके कर्मचारी भी हैं, आपका स्टाफ भी है, और आपके छोटे भाई बहन भी कुंडली में 3rd हाउस से ही देखे जाते हैं। तो मंगल की दृष्टि और मंगल की नीच दृष्टि, नीच भाव पर दृष्टि, वहाँ पर जाकर के उग्रता का निर्माण कर सकती है, अर्थात आपको छोटे भाई बहनों पर अपना कठोर नियंत्रण बनाना आवश्यक हो सकता है। हो सकता है आपके साथ उनकी कहासुनी हो सकता है आपका मैनेजमेंट उनको नहीं पसंद आए, और छोटे भाई बहन और घर परिवार पर आपके इस नियंत्रण की वजह से घर का एटमॉस्फेयर भी थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन सब मिला करके आप अपने भाई बहनों को नियंत्रित कर पाएंगे। आपके दोस्तों में आपकी गुडविल बढ़ेगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और सब मिला करके ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो आप ट्रैवल करेंगे उस ट्रैवल से आपको गेन मिलेगा, आपको इनकम की प्राप्ति होगी, आपके और स्कोप जो गेन के हैं वो और डेवलप होंगे और स्कोप खुलेंगे। अब यही मंगल की दृष्टि कुंडली में 6th हाउस पर है, 6th हाउस है शत्रुओं का, कर्ज का, कंपटीशन का, रोग का, तो मंगल की दृष्टि जहाँ पर जाएगी 6th हाउस पर, वहाँ पर मंगल उन शक्तियों को, उन नेगेटिविटी को कंट्रोल करने का काम करेगा, अर्थात यदि रोग है तो उसको नियंत्रित करेगा, यदि कर्ज लेना चाहते हैं तो कर्ज लेना आसान बना देगा। बहुत से लोग कर्ज के लिए ट्राई करते हैं लेकिन कर्ज नहीं मिल पाता, बैंक लोन नहीं दे पाता, बहुत आनाकानी होती है, बहुत पेपर वर्क होता है, उसके बावजूद भी ना हो जाता है, तो ऐसे समय में 22 मार्च 2019 तक यदि आप ट्राई करते हैं बैंक लोन के लिए तो ये काम आपका हो सकता है, ये पॉजिटिविटी है एक प्रकार से। यदि कोई वाद विवाद है, कोर्ट कचहरी है, उससे निपटना है, तब भी यह टाइम पीरियड आपका हेल्प करेगा, आपकी सहायता करेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि कुंडली में 7th हाउस पर है, 7th हाउस आपके लाइफ पार्टनर का है, तो उनके स्वास्थ्य को आपने ध्यान देना है, उनके मनोभावों का, उनके इमोशंस की केयर करनी है, और उनकी हेल्थ के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना है, क्योंकि ब्लड प्रेशर से संबंधित, ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, और यदि स्त्रियां हैं आपकी जीवन साथी, मतलब जीवन साथी यदि आप पुरुष हैं तो
ऑफ कोर्स आपके जीवन साथी को ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो मेंसेस से रिलेटेड हो, और यदि वो गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, तो उनको बहुत ज़्यादा केयर करने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यह जो मैं बात कर रहा हूँ यह मून साइन से रिलेटेड है और 5 फरवरी 2019 से 22 मार्च 2019 तक मंगल मेष राशि में रहेगा, उस पर हम विश्लेषण कर रहे हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि पर। आइए बात करते हैं मिथुन राशि की। राशि से 11th जब भी पापी ग्रह आते हैं, जब भी क्रूर ग्रह आते हैं, सबसे ज़्यादा बलवान माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा फायदेमंद माने जाते हैं। राशि से 3rd, 6th और 11th जब जब भी मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु होंगे, तब तब आपको उन ग्रहों से संबंधित अनुकूल फायदे होंगे, अर्थात उनकी ग्रहों की ओर से सपोर्ट मिलेगा। जिस भाव के अधिपति हैं वो भाव का सपोर्ट आपको मिलेगा। तो मंगल आपकी राशि से 11th हाउस में स्टार्ट हुए हैं, प्रवेश हुआ है 5 फरवरी को, उस प्रवेश से आपकी इनकम में वृद्धि होगी, आपकी गेन में वृद्धि होगी, एप्रिसिएशन मिलेगा, जो आपके एफर्ट हैं, जो आपके कर्म हैं, उनसे आपको संतुष्टि मिलेगी। कई बार ये होता है कि काम तो आप पूरा करते हैं लेकिन आपको काम खुद करने से ही संतुष्टि नहीं मिलेगी, नहीं मज़ा नहीं आया, काम पूरा तो हो गया लेकिन अच्छा नहीं लगा, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा काम पूरा करके, और उस सेटिस्फेक्शन का आपको वापस गेन भी मिलेगा और अनएक्सपेक्टेड गेन मिलेगा, जो आपने एज्यूम किया उससे ज़्यादा बेटर गेन आपको मिलेंगे। और यदि कोई विद्यार्थियों की मिथुन राशि है उनको इस होने वाले एग्ज़ाम में 5 फरवरी से 22 मार्च तक जो एग्ज़ाम होने वाले हैं बहुत अच्छे एग्ज़ाम होंगे, आपने अपना 100% देना है, रिजल्ट आपको 100% से ज़्यादा मिलेगा, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। अर्थात यदि आपने एज्यूम किया है कि मेरे 75% आएंगे तो यह टाइम पीरियड आपको उससे ज़्यादा नंबर देगा, ज़्यादा सक्सेस देगा, ज़्यादा सफलता देगा, आपको संतुष्ट कर देगा। तो समय जब अच्छा है तो आप जो प्रयास करेंगे उसमें और अच्छा और बलवान फल मिलेगा और अनुकूल फल मिलेगा, यही मेरा कहने का उद्देश्य है। मिथुन राशि के व्यक्तियों को मंगल के राशि प्रवेश से 2nd हाउस पर दृष्टि होगी, जहाँ पर कि मंगल की नीच राशि है, तो 2nd हाउस धन और संपत्ति का भी है, 2nd हाउस परिवार का भी है, 2nd हाउस राइट आई का भी है, और 2nd हाउस जबान का भी है, वाणी का भी है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इस मंगल के राशि प्रवेश से आपकी राइट आई इन्फेक्ट हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और जिन लोगों की आंखें कमज़ोर है या आंखों से रिलेटेड कोई बीमारी है उनको जरूर से ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। यदि प्रेतक संपत्ति से रिलेटेड कोई मामले चल रहे हैं, बंटवारे की बात चल रही है, भाई भाइयों में बातें चल रही है, तो ये टाइम पीरियड ऐसा है जिस टाइम में आप इन बातों को इग्नोर कर दें तो आप फायदे में रहेंगे। गेन का टाइम पीरियड है आपके खुद के एफर्ट से, लेकिन पेरेंटल प्रॉपर्टी के स्थान पर मंगल की नीच की दृष्टि है, उस कारण वो बातें बिगड़ सकती है, आपको डाउन रहना पड़ सकता है, अर्थात आपको इक्वल की जगह आपको डाउन श्रेणी में, मान लीजिए आप दो ही भाई हैं 50-50% की जगह वो ज़्यादा रख लेंगे, आपको कम पर राजी होना पड़ सकता है, यह टाइम पीरियड है। इसलिए थोड़ा सा इस टाइम पीरियड को अगर निकाल देंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। यह जो मैं बोल रहा हूँ वो सर मिथुन राशि के लिए बोल रहा हूँ, और मिथुन राशि के लगभग 15-16 करोड़ हमारी सिर्फ इस कंट्री में रहेंगे, तो इस 100% आप पर लागू नहीं है, लेकिन जो आप अगर मान लेते हैं, समझ लेते हैं, मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, तो आपको शायद जो गेन होने वाला है वो ज़्यादा होगा, और अगर लॉस होने वाला है तो आप उससे बच सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जानकारी होने से काफ़ी कुछ फ़ायदा हो सकता है, मेरा कहने का उद्देश्य इतना ही है। मंगल की 7वीं दृष्टि कुंडली में 5th हाउस पर है, 5th हाउस एजुकेशन का है, 5th हाउस डे टू डे की नॉलेज का है, 5th हाउस इनकम का है, और 5th हाउस का अर्थ संतान भी है। तो मंगल संतान भाव को देख करके संतान भाव को बलवान करेगा, अतः संतान से आपको खुशी मिलेगी, संतान से आपको प्रसन्नता मिलेगी, और संतान की उन्नति से आप प्रसन्न होंगे। और यदि आप खुद विद्यार्थी हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, एजुकेशन में आप बहुत आगे जाएंगे, और यदि आपकी संतान, आप खुद मिथुन राशि के हैं और आपकी संतान यदि एग्ज़ाम दे रही है तो उसको बहुत अच्छे एग्ज़ाम होंगे, आप खुद प्रसन्न हो जाएंगे उनके अच्छे एग्ज़ाम से। आपकी डे टू डे की इनकम में वृद्धि होगी, आपकी बुद्धि बल में वृद्धि होगी, नए नए आइडियाज़ आपको आएंगे जिनसे आप और आगे बढ़ पाएंगे अपने कार्य क्षेत्र में, अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में। और जिन व्यक्तियों का काम ही जोखिम का है, चाहे वो पुलिस में है, चाहे वो आर्मी में है, चाहे वो नेवी में है, एयरफोर्स में है,
उन व्यक्तियों को इस समय इस टाइम पीरियड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अवार्ड रिवार्ड की संभावनाएं बलवान हैं। मंगल की आठवीं दृष्टि सिक्स हाउस पर है, जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि यदि आप कर्ज लेना चाहते हैं तो आपको कर्ज आसानी से मिल सकता है, क्योंकि मंगल अपनी स्वराशि को भी देखता है और सिक्स हाउस रोग कर्ज कंपटीशन वाद विवाद का है, कोर्ट कचहरी चल रही है उसमें आपका अच्छा पक्ष हो सकता है, उसमें विजय मिल सकती है या आप बलवान हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम कर्क राशि की। आइए बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जो व्यक्ति हैं उनको राशि से 10th हाउस में मंगल का राशि प्रवेश हुआ है और उस राशि प्रवेश से आपके लग्न पर अतः राशि लग्न पर दृष्टि होगी, जहां पर कि मंगल की नीच राशि है। मंगल की सातवीं दृष्टि होगी कुंडली में 4th हाउस पर और मंगल की आठवीं दृष्टि होगी कुंडली में 5th हाउस पर। तो कुंडली में 10th हाउस है वो कर्म क्षेत्र का है और मंगल 10th हाउस में होने से यदि आपकी कुंडली में मंगल 10th हाउस का है तब मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आप अपने खानदान में जितनी प्रोग्रेस किए हैं उतनी प्रोग्रेस दूसरा नहीं कर पाया है, क्योंकि मंगल 10th हाउस में कुलदीपक योग देता है। कुलदीपक का अर्थ ही अपने खानदान का नाम रोशन करना है। कुलदीपक का अर्थ यही है कि आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रेस की है जो दूसरों ने नहीं की है। ऑफकोर्स उसके लिए आपकी मेहनत लगी है, आपने लगन परिश्रम से बहुत संघर्ष से आप आगे आए होंगे, लेकिन उस संघर्ष में आप खुद बहुत ज़्यादा चमक चुके हैं, आपने बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त की है, इसीलिए इस योग की व्याख्या है। अब मंगल की दृष्टि कुंडली में राशि पर है और राशि का अर्थ यहाँ पर जो आपकी कर्क राशि है और कर्क राशि पर मंगल की दृष्टि होने से क्या होगा, आपको खुद को इरिटेशन, गुस्सा, जिद ये सब चीज़ बढ़ जाएगी और आपकी हेल्थ को लेकर के भी प्रॉब्लम होने की संभावनाएं बलवान हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा जब भी पीड़ित होता है तब गोल्डन कफ, थ्रोट, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, बैक पेन, शोल्डर पेन ये सब प्रॉब्लम चंद्रमा की देन है। अर्थात चंद्रमा जब पीड़ित होता है तब इस स्क्वायर एरिया में सबसे ज़्यादा एलर्जी इन्फेक्शन से परेशान करता है। चंद्रमा इमोशनल, सेंसिटिव, स्ट्रेट फॉरवर्ड, साथ में ट्रांसपेरेंट और काइंड हार्टेड बना देता है। जब मंगल देख रहा है नीचे राशि को तो उस इमोशनली आपका यूज हो सकता है, इस्तेमाल हो सकता है, उस इमोशनल यूज होने से बचने की जरूरत है, प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, इमीडिएट रिएक्शन नहीं करने की जरूरत है और आपको ना बोलना सीखने की जरूरत है। अब मंगल की सातवीं दृष्टि कुंडली में 4th हाउस पर है। 4th हाउस माता, भूमि, भवन, वाहन का मालिक है। तो 4th हाउस पर मंगल की दृष्टि होने से आप नया वाहन खरीद सकते हैं, माता से आपको कुछ न कुछ गेन मिल सकता है, आपको माता से सुख मिल सकता है, एप्रिसिएशन मिल सकता है, कोई न कोई प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो सकती है और सबसे बड़ा आशीर्वाद यदि मिल जाए माता का तो उससे बड़ा और किसी चीज़ की जरूरत नहीं रहती। तो आशीर्वाद अतः सुख, आपने घर में सुख दिया उस वजह से आपको भी सुख की बारिश होगी। भूमि, वाहन, वाहन सुख की आपको प्राप्ति होगी। यदि आप कोई प्रॉपर्टी बेच करके नहीं खरीदना चाहते हैं तो यह समय एकदम सही है, उस समय आपको एफर्ट करने चाहिए, आपको डील करनी चाहिए और डील में आपको गेन होगा। अब राशि से 8th जो देख रहा है अर्थात मंगल की आठवीं दृष्टि आपकी राशि कुंडली में 5th हाउस है। 5th हाउस संतान का भी है, 5th हाउस नेम फेम का भी है, 5th हाउस एप्लीकेशन का भी है और 5th हाउस आपकी बुकिश नॉलेज का भी है। तो जो एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को इस एग्ज़ाम में 22 मार्च 2019 से पहले जो एग्ज़ाम होंगे उनमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा मंगल की वजह से। कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा और आप बहुत ही परिश्रम से, बहुत ही मेहनत लगा करके इन एग्ज़ामों में क्लियर करने की ओर अग्रसर हो जाएंगे, क्योंकि समय यदि सही है तो आपकी याददाश्त भी आपका साथ देगी, आपकी एनर्जी लेवल भी आपका साथ देगी और आपकी बुद्धि बल भी आपको स्मरण शक्ति में मजबूत बनाएगी। यह राशिफल, यह जो विश्लेषण है आपकी राशि के अनुसार है, मून साइन के अनुसार है और अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के व्यक्तियों को राशि से 9th हाउस में
मंगल का राशि प्रवेश हुआ है 5 फरवरी 2019 की रात्रि में, और ये परिवर्तन ये मंगल का मेष राशि में जो स्थिति है वो 22 मार्च 2019 तक रहेगी। और इस स्थिति के कारण आपको क्या गेन होने वाला है या क्या प्रॉब्लम होने वाली है, किससे सावधान रहना है, यह मैं आपको बतला रहा हूँ। तो इस राशि प्रवेश से मंगल की दृष्टि कुंडली में 12th हाउस पर है, जहाँ पर कि मंगल की नीच राशि है। तो सबसे पहले कि मंगल 9th हाउस में आया, तो 9th हाउस धर्म का है, भाग्य का है और यात्राओं का है, धार्मिक यात्राओं का भी है। तो इस राशि प्रवेश से हो सकता है कि आप धार्मिक यात्रा की ओर आगे बढ़ें। इस राशि परिवर्तन से भाग्य आपका बलवान होगा, भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा, भाग्य का सुख आपको मिलेगा, क्योंकि जो आपका राशि स्वामी है सूर्य, वो भी मंगल का मित्र है। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है और मंगल को सेनापति कहा जाता है। तो त्रिकोण के अधिपति हमेशा बलवान माने गए हैं। तो इस समय मंगल का राशि प्रवेश आपकी राशि से त्रिकोण स्थान में हुआ है, 9th हाउस में हुआ है। तो इस त्रिकोण में मंगल के राशि प्रवेश से आपको भाग्य का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, यात्राएं भी आपकी होगी, धार्मिक यात्राएं भी होना संभव है, एक्सपेंसेस आपके और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, या ये बोल सकता हूँ कि शुभ खर्च और बढ़ जाएंगे। हो सकता है कोई संतान के लिए, ठीक है, आप कोई ना कोई एफर्ट करें, आयोजन करें, या उनके लिए व्हीकल ले सकते हैं, संतान की एजुकेशन पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्च कर सकते हैं, या संतान को कहीं इंटरव्यू दिलाने के लिए, कोई एग्जाम दिलाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से वो यात्राओं का खर्च बढ़ सकता है इस समय काल में। अब मंगल की 12th हाउस पर दृष्टि के कारण आपको लेफ्ट आई में प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, उससे आपको सावधान रहना है। मंगल की 7वीं दृष्टि तीसरे भाव को देखते ही अर्थात पराक्रम स्थान को देखती है। तो इस पराक्रम स्थान पर मंगल की दृष्टि से आपकी नेम फेम बढ़ेगी, आपकी गुडविल बढ़ेगी, आपकी खुद की बाहुबल बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी, और इसके साथ में आपके छोटे भाइयों से भी, छोटे भाई बहनों से भी अपना तो बढ़ेगा, आप उनके और ज़्यादा सपोर्टर बन जाएंगे, या आप गार्जियन बनने की ट्राई करेंगे, उनके जीवन में जो समस्याएं हैं या उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो आप एफर्ट करेंगे, उनसे भी आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, उनसे भी आपको सम्मान मिलेगा। अब मंगल की 8वीं दृष्टि 4th हाउस को देखती है। 4th हाउस माता का है, 4th हाउस भूमि भवन वाहन का है। मंगल की वहाँ पर दृष्टि के कारण, क्योंकि मंगल खुद अपनी राशि का है और अपनी खुद की राशि को देखता है, एक त्रिकोण का अधिपति जब केंद्र में होता है या केंद्र का अधिपति त्रिकोण में हो और उसकी दृष्टि हो, तो वो सबसे ज़्यादा बलवान मानी जाती है। तो इस कारण से आपके घर में सम्मान बढ़ेगा, आपके घर में सुख शांति ऐश्वर्य वैभव यह स्थिति बनेगी, और कोई न कोई नए वाहन की, नए भूमि भवन की चर्चाएँ होंगी, बातें होंगी, और घर में आपकी माताजी भी स्वस्थ होंगी, और यदि वो काफ़ी समय से बीमार थी तो उनको सही इलाज प्राप्त हो जाएगा आपके कारण, आपके एफर्ट से, आपके नसीब से, आपकी किस्मत से। आइए अब बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि की। अब बात करते हैं कन्या राशि अर्थात वर्गो। कन्या राशि के जातकों को राशि से 8th हाउस में मंगल का राशि प्रवेश हुआ है। 8th हाउस का अर्थ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम से है। 8वां घर दुर्घटनाओं का भी है, 8वां घर समझदारी का भी है। 8वां घर इसलिए समझदारी का है क्योंकि वो जन्म से अर्थात आपकी राशि से 8वां भाव आयु का भाव भी है, इसलिए मति का भी है। अब इस मंगल के दृष्टि प्रवेश से आपकी इनकम हाउस पर दृष्टि होगी, जहाँ पर कि मंगल की नीच राशि है। इस राशि प्रवेश से मंगल की 7वीं दृष्टि कुंडली में 2nd हाउस पर होगी, जो कि धन का है, जो कि परिवार का है, और इस राशि प्रवेश से 3rd हाउस पर 8वीं दृष्टि 3rd हाउस पर होगी। तो सबसे पहली बात करते हैं कि मंगल 8वें घर में आकर के आपको कोई न कोई इंजरी दे सकता है, कोई न कोई एक्सीडेंट या चोट दुर्घटना दे सकता है, और या फिर कोई ऑपरेशन आपका पेंडिंग है, वो ऑपरेशन होने वाला है। 8th हाउस में मंगल या 8th हाउस पर मंगल की दृष्टि पाइल्स की प्रॉब्लम भी देती है, तो ज़्यादा संभावना यहाँ पर पाइल्स का ऑपरेशन करने की भी है। जो व्यक्ति इस बीमारी से, इस समस्या से पीड़ित हैं, वो व्यक्ति इस समय का फायदा उठा सकते हैं, जबकि आपको यह समय ऑपरेशन की ओर अग्रसर कर रहा है, तो ऑपरेशन करवा लीजिए, उसके बाद में समय ज़्यादा बेटर है।
मंगल की दृष्टि कुंडली में 11th हाउस पर है, मंगल खुद स्वराशि का है और उसकी नीच भाव पर दृष्टि है, तो जो भी आमदनी है उसमें रुकावटें आएंगी, उसमें बाधाएं आएंगी। जो पैसा आप किसी को उधार देना चाहते हैं वहाँ पर लगाम लगाइए, नहीं तो वो पैसा फंस सकता है। इस समय जो भी एफर्ट आप करेंगे वो ज़्यादातर एफर्ट से आप खुद भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे और ना उसके गेन से ना उसके एप्रिसिएशन से संतुष्ट हो पाएंगे। अतः सब मिला करके यह टाइम पीरियड आपको बहुत सावधानी से पार करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन के रहना है। सबसे पहले अपने खुद को सेफ करके फिर दूसरों का भला करने के बारे में सोचना है। मंगल की सातवीं दृष्टि सेकंड हाउस पर है, सेकंड हाउस धन का है, सेकंड हाउस राइट आई का है, सेकंड हाउस वाणी का है और सेकंड हाउस ससुराल का भी है। तो मंगल की सातवीं दृष्टि सेकंड हाउस पर होने से ससुराल से धन प्राप्ति हो सकती है, पारिवारिक आमदनी हो सकती है, पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने के योग घटित हो सकते हैं, और या फिर घर में जो बुजुर्ग मेहमान हैं या जो भी आपके घर परिवार के खानदान के सदस्य हैं उनसे मेल मिलाप हो सकता है, चाहे वो घर में आने से हो या आपको अपने जन्मभूमि पर अपने खानदान वाले व्यक्तियों के आसपास जाने से, किसी शादी के संदर्भ में, किसी महत्वपूर्ण प्रयोजन के संदर्भ में जाकर के मिलने का संयोग भी हो सकता है, उससे आपको लाभ होगा। ससुराल से धन प्राप्ति की मैं बात कर चुका हूँ, प्रॉपर्टी की मैं बात कर चुका हूँ, वाणी पर आपको ध्यान करना रहेगा, आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि मंगल बहुत ही रूखे स्वभाव का स्वामी भी है, बहुत अक्खड़पन का मालिक भी है। मंगल का मतलब सेनापति, और सेनापति कभी सॉफ्ट नहीं बोलते, उनकी आवाज़ हमेशा ऑर्डर देने की स्टाइल में ही रहती है, इसलिए अपने ऊपर नियंत्रण रखिएगा। मंगल की आठवीं दृष्टि कुंडली में थर्ड हाउस को देखती है, वहाँ पे मंगल की अपनी खुद की राशि भी है, इस वजह से आपको नेम फेम गुडविल, आपको अपने छोटे भाई बहनों से स्नेह मिलेगा, अपनत्व मिलेगा, प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और साथ ही साथ अपने दोस्त, आपके जो भी दोस्त हैं, सहपाठी हैं, मित्र हैं, ग्रुप है आपका, उनसे भी आपको सपोर्ट मिलेगा, और आपके जो कर्मचारी हैं, आपके साथ में काम करने वाले, आपके अधीनस्थ हैं, वो भी आपको सहयोग करेंगे। अर्थात यहाँ पर इनकम से मैं असंतुष्ट बोल सकता हूँ या जो काम करेंगे उनसे संतुष्टि नहीं होगी, लेकिन बाकी सारे पैरामीटर्स में आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी। और जो व्यक्ति मंगल का काम कर रहे हैं, जो व्यक्ति ट्रेडिंग से रिलेटेड बिजनेसमैन हैं, उनको जरूर इनकम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आइए अब बात करते हैं तुला राशि की। अब बात करते हैं तुला राशि अर्थात लिब्रा राशि से 7th हाउस में मंगल का राशि प्रवेश हुआ है, उस राशि प्रवेश से कुंडली में 10th हाउस पर दृष्टि होगी, कुंडली में राशि पर दृष्टि होगी और कुंडली में सेकंड हाउस पर दृष्टि रहेगी। तो जब भी चंद्रमा और मंगल का दृष्टि संबंध होगा उस सिचुएशन को लक्ष्मी योग कहा गया है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा अर्थात आपकी राशि है, तुला आपकी राशि है और मंगल उस राशि को देखेगा, उस भाव को देखेगा, तो लक्ष्मी योग का निर्माण करेगा। मंगल की दृष्टि कुंडली में 10th हाउस पर है, 10th हाउस फादर का होता है, 10th हाउस आपके कर्म का रहता है, 10th हाउस नौकरी का रहता है, और नौकरी का जो भी एटमॉस्फेयर है जिसको अपन कार्य क्षेत्र बोलते हैं, वहाँ पर मंगल की दृष्टि होने से आपको बेचैनी बढ़ेगी, वहाँ पर एटमॉस्फेयर आपके लिए ज़्यादा बोझिल होगा, या ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे आपको पीड़ा पहुँचाने का, आपके खिलाफ़ साजिश करने का, आपके खिलाफ बोलने का, बैकबाइटिंग का यह प्रोग्राम, यह साजिशें चलेगी, जिससे आप व्यथित होंगे, परेशान होंगे। तो परेशान होने से ये टाइम नहीं निकलेगा, आपको प्रैक्टिकली मैनेजमेंट करने से ये टाइम निकलेगा। ज्योतिष का फायदा तभी है जब आपको, मैं ये समय से पहले बता रहा हूँ कि आपका ये समय इस ढंग से आपको प्रॉब्लम देगा। यदि आप इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो अपने आप को प्रैक्टिकली मेंटेन कीजिए, आप अवेयर हो जाइए समय से पहले। जो कुछ भी ऐसे लोग हैं जो आपके पास में आकर के सिर्फ और सब इधर की उधर करते हैं, जब आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है उन लोगों से दूरी बढ़ाइए, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखिए, अपने मनोभावों पर नियंत्रण रखिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, उससे काफ़ी कुछ आप अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। मंगल की दृष्टि राशि पर, लग्न पर, उससे मैंने आपको बताया कि लक्ष्मी योग का निर्माण होगा, राशि से 7th मंगल राशि को देखेगा और राशि को देखने से लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, आपकी खुद की शारीरिक एनर्जी में वृद्धि होगी, स्ट्रेंथ में वृद्धि होगी, और साथ ही साथ
आपका कॉन्फिडेंस कुछ हद तक ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति में भी जाएगा, क्योंकि चंद्रमा का मतलब ही मन है। तो यूं ही चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि होगी, वो आपको उग्रता देगा, आवेश देगा, क्रोध देगा, तो हो सकता है जल्दबाजी में आपा खो बैठें, अपना नियंत्रण खो बैठें, अपनी भाषा को रूखा कर लें, उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। लेकिन इस मंगल के राशि परिवर्तन से आप कार्य क्षेत्र को यदि छोड़ दें, साइड में रख दें, तो दूसरे हिस्सों में आपको बहुत गेन मिलेगा। फाइनेंशियल गेन का टाइम पीरियड ये है। यदि आप कोई न कोई अनएक्सपेक्टेड गेन की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे किसी और ढंग से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया और इस समय सेल की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपको गेन होने वाला है। ये बात मैं आपको इस समय बता सकता हूं, क्योंकि 22 मार्च 2019 से पहले आपको गेन होने का योग काफ़ी हद तक है। सेकेंड हाउस पर मंगल की दृष्टि, इस वजह से ससुराल से धन प्राप्ति हो सकती है, पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने के योग होंगे, तो साथ ही साथ आपकी खुद की फाइनेंशियल एसेट्स, आपका बैंक बैलेंस, आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन सब में वृद्धि का योग भी है, चाहे वो सर्टिफिकेट के माध्यम से हो, चाहे वो बॉन्ड के माध्यम से हो, चाहे वो और किसी इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हो। तो ये इन्वेस्टमेंट वाली स्थिति में और इम्प्रूवमेंट आएगा, एनहांस होगा। तो सब मिला करके ये मंगल आपके लिए बेनिफिट है, आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि, जो कि मंगल की अपनी राशि है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो राशि से सिक्स्थ हाउस में मंगल का राशि प्रवेश हुआ है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, स्टार्टिंग में भी बताया है कि राशि से थर्ड, सिक्स्थ और इलेवंथ मंगल जब जब भी राशि में प्रवेश करेगा, इस स्थान पर आएगा, आपको गेन देगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, मंगल में जो भी क्वालिटी है वो आपको और इम्प्रूवमेंट रूप में मिलेगी। मंगल का अर्थ यहाँ पे क्या है, मंगल का अर्थ कॉन्फिडेंस से है, मंगल का अर्थ यहाँ पे फाइटिंग से भी है। जो फाइटर हैं, फाइटर का मतलब यहाँ पर आप किसी स्पोर्ट्स में हैं वो भी फाइटिंग है, आप किसी अपने खुद के कार्य के लिए लड़ रहे हैं, कोर्ट कचहरी लड़ रहे हैं, या ऐसे ही वाद विवाद कर रहे हैं, चाहे मौखिक हो रहा है, तब भी आपको स्ट्रेंथ की, तब भी आपको पावर की जरूरत होगी। तो राशि से सिक्स्थ मंगल आकर के जहाँ पर कि कर्ज, कंपटीशन, वाद विवाद, क्लेश या रोग, इन सब की स्थिति है, तो रोग से निवृत्ति देने का काम मंगल करेगा। यदि कर्ज चाहिए तो कर्ज दिलाने का काम मंगल करेगा, और कर्ज से निवृत्त होना चाहते हैं, कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं, तब भी मंगल आपकी सहायता करेगा। यदि कोई वाद विवाद है उसमें आपको विजय मिल सकती है, यदि कोई क्लेश है उसमें आपकी भूमिका निर्णायक हो सकती है, उसमें आप बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं और आपको उसमें नेम फेम भी मिलेगा। सिक्स्थ हाउस मामा का भी है, तो ऐसी स्थिति में ननिहाल से भी आपको गेन प्राप्त होगा, उनका सपोर्ट भी आपको मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों को मंगल राशि से सिक्स्थ आकर के फोर्थ हाउस पर अपनी फोर्थ दृष्टि राशि से नाइन्थ हाउस में डालेगा, जहाँ पर कि मंगल की नीच राशि है। ऐसी स्थिति में मंगल की राशि के वशीभूत आपको भाग्य का साथ कम मिल पाएगा, धार्मिक यात्राएं होती होती रह जाएगी या उसमें अड़चन आएगी। जो कुछ भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, जो कुछ भी एफर्ट कर रहे हैं, उसमें अचानक से कोई न कोई बाधा आकर के वो काम रुकने की स्थिति भी आ सकती है, क्योंकि मंगल की सातवीं दृष्टि ट्वेल्थ हाउस पर भी है, ट्वेल्थ हाउस एक्सपेंसेस का भी है, ट्वेल्थ हाउस यात्राओं का भी है। तो व्यर्थ की यात्राएं हो सकती है, जिन यात्राओं का मतलब कुछ नहीं निकलेगा, पैसा खर्च हो जाएगा लेकिन वहाँ पर फायदा कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी हो सकती है, वो वाली यात्राएँ होना संभव है। अब मंगल का आपकी राशि से ट्वेल्थ हाउस पर दृष्टि है, ट्वेल्थ हाउस को अपमान, अपयस, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, रोग, एक्सीडेंट से भी जोड़ा गया है, तो ऐसा कुछ आपसे कर्म हो सकता है, ऐसा कुछ काम आपके हाथों से हो सकता है जिससे आपका अपमान भी होना संभव है। इसलिए बहुत ज़्यादा अपने आप को सावधान रहते हुए काम करना है, क्योंकि ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है, जो आप एफर्ट करेंगे उसमें सक्सेस मिलेगी, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा लेकिन कर्म का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो हमेशा से मिलता है। भाग्य का फल भी आपको कब मिलेगा, जब आप कर्म करेंगे। भाग्य का फल अपने आप नहीं मिलता है, कर्म के बिना भाग्य का फल कभी नहीं मिलता है, कर्म करना ही पड़ता है। लॉटरी आपकी लगेगी, लॉटरी का टिकट तो आपको खरीदना पड़ेगा, तो एफर्ट किए बिना उसका फल नहीं मिलेगा। और अब बात करते हैं राशि से एट्थ अर्थात मंगल की आठवीं दृष्टि, जो कि आपकी राशि पर है, और चंद्रमा और मंगल का जब भी दृष्टि संबंध होगा, लक्ष्मी योग का निर्माण होगा, तो
मंगल की आठवीं दृष्टि लग्न पर होने से फाइनेंशियली गेन, कॉन्फिडेंस में वृद्धि, आपके खुद के व्यक्तित्व में वृद्धि, प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा और आपका प्रभाव, आपकी ऊर्जा, आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जो आपका नाम है वो नाम बढ़ेगा और सब मिला करके आपकी पर्सनल टीम में इम्प्रूवमेंट आएगा। और इस टाइम पीरियड में यदि कोई व्यक्ति पुलिस में है, सेना में है या ऐसे काम में है जहाँ पर कि जोखिम ज़्यादा है, उन व्यक्तियों को अपने कार्यों में बहुत सोच समझ करके काम करना चाहिए, अन्यथा वो सस्पेंशन वाली स्थिति में भी आ सकते हैं, जो कि सिर्फ टेम्परेरी होगा, लेकिन सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। और यदि किन्हीं राशि वालों को यह राशि बदन प्रतिकूल है तो उपाय करेंगे, उपाय क्या करने होंगे वो मैं आपको इस एपिसोड के एंड में बतलाऊंगा, इसलिए यह एपिसोड एंड तक देखना जरूरी है। अब बात करते हैं धनुराशि की। आइए अब बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि के व्यक्तियों को राशि कुंडली से फिफ्थ हाउस में मंगल का राशि प्रवेश हुआ है। फिफ्थ हाउस जन्म कुंडली में त्रिकोण को कहा जाता है, तो राशि से त्रिकोण भाव में मंगल का राशि प्रवेश हुआ है और उस राशि प्रवेश से मंगल आपकी राशि कुंडली से एट्थ हाउस को, कुंडली में इलेवंथ हाउस को और ट्वेल्थ हाउस को दृष्टिपात करेगा। मंगल 5 फरवरी 2019 से 22 मार्च 2019 तक मेष राशि में रहेगा। मंगल को ग्रहों का सेनापति भी कहा जाता है और मंगल के त्रिकोण भाव में आने से आपको अनुकूल प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, अर्थात गेन ज़्यादा होगा, एप्रिसिएशन ज़्यादा होगा, फायदा आपको ज़्यादा मिलेगा। राशि से फिफ्थ हाउस बुद्धि बल का है, एजुकेशन का है, साथ ही साथ ही जो भी आपकी नेम फेम है, एप्लीकेशन बुद्धि है या जो संतान का सुख है, वह सब फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। तो मंगल का फिफ्थ हाउस में आने से आपकी बुद्धि बल में वृद्धि होगी, संतान से आपको लाभ होगा या संतान की सक्सेस से आपको प्रसन्नता मिलेगी, संतान होने से प्रशंसा मिलेगी और जो व्यक्ति भी कंपटीशन के एग्ज़ाम देने वाले हैं उन व्यक्तियों के एग्ज़ाम बहुत अच्छे होंगे और जो व्यक्ति इस समय प्रमोशन के लिए, ट्रांसफ़र के लिए प्रयासशील हैं उनको इस कार्य में सफलता मिलेगी। अब लेते हैं अगली बात कि मंगल की फोर्थ दृष्टि कुंडली में एट्थ हाउस पर है। एट्थ हाउस को नेगेटिव बोला जाता है और मंगल वहाँ पे खुद नीच राशि के हैं, तो वो मंगल की दृष्टिपात करने से आपको अनहोनी से रक्षा होगी, अतः जो भी नेगेटिविटी है, जो भी अकस्मात प्रॉब्लम आने वाली है उससे भी आपकी रक्षा होगी। मंगल एट्थ हाउस का अर्थ यही है कि यहाँ पर मंगल की नीच भाव की दृष्टि है, मंगल नीच भाव का स्थान जो है वो एट्थ हाउस है और एट्थ हाउस से आयु का विचार किया जाता है। एट्थ हाउस से आपको सहजात बुद्धि या जिसको समझदारी बोलते हैं, मति बोलते हैं, उसका भी संबंध है। तो यहाँ पर नेगेटिविटी को कंट्रोल करने का साधन राशि से फिफ्थ मंगल की दृष्टि के कारण होगा। अब मंगल की सातवीं दृष्टि इलेवंथ हाउस पर है। इलेवंथ हाउस को गेन बोला जाता है, एप्रिसिएशन बोला जाता है, लाभ बोला जाता है, यश बोला जाता है और जो भी आप काम करते हैं उसका जो फल है, जो एप्रिसिएशन है, जो सुख है, जो सफलता है, वह सब कुछ भी कर्म के फल के रूप में सामने आता है। तो मंगल एक तो मूल त्रिकोण राशि का मंगल और उसकी दृष्टि, और क्योंकि मंगल यहाँ पर धनु राशि में कारक भी माना जाएगा, क्योंकि मंगल एक त्रिकोण का अधिपति भी है, तो त्रिकोण का अधिपति स्वयं मूल त्रिकोण राशि में मंगल आने से इनकम के रूप में वृद्धि होगी। जो भी आपका पैसा फंसा हुआ है कहीं पर, यदि आप ट्राई करेंगे तो वो पैसा भी आपको मिलने के संकेत मिलेंगे, मिलने के योग है, मिलने की संभावनाएं आपकी बढ़ जाएगी। अब मंगल की आठवीं दृष्टि कुंडली के ट्वेल्थ हाउस में है, तो एक तो जो घर है ट्वेल्थ हाउस वह खुद अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, रोग, एक्सीडेंट, मृत्यु का है, अर्थात एक्सपेंसेस हो या लेफ्ट आई हो, ये सब भी ट्वेल्थ हाउस के रूप में देखा जाता है। सबकॉन्शियस माइंड, अर्थात जो आपका ब्रेन चलता है, पीछे एक चीज़ चलती रहती है जो आपकी याददाश्त को नियंत्रित करती है, अचानक से आपको याद आता है अरे उसको फ़ोन करना था, तो ये क्या है, सबकॉन्शियस माइंड है जो कि पीछे आपको सावधान किए रहता है। उसका मालिक भी ट्वेल्थ हाउस है और मंगल की वहाँ दृष्टि होने से आपकी यात्राएं 22 मार्च तक ज़्यादा होंगी, एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा होंगे और कहीं न कहीं आपको हानि होने की संभावनाएं अधिक है। हानि किस पे हो सकती है, इन्वेस्टमेंट पे हो सकती है,
कोई भी डील प्रॉपर्टी की डील के रूप में हो सकती है, और या जिसको आपने पैसा दिया है वो व्यक्ति ही गायब हो जाए, या उसके साथ में ही कोई समस्या खड़ी हो जाए कि वो पैसा देने की स्थिति में ही नहीं रहे। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन के इस चीज़ को निर्णय लेना है कि किसी को ज़रूरत है तो उसमें ज़रूरत वास्तव में है या नहीं, ये भी चेक करना है, और उसके बाद में उसकी कामना पूर्ति करनी है, उसके बाद में उसको सपोर्ट करना है या राहत देनी है, जो भी आप निर्धारित करें। तो सब मिलाकर के धनु राशि वाले व्यक्तियों को शनि की साढ़ेसाती होने के बावजूद भी, राशि से 12th बृहस्पति चल रहा है उसके बावजूद भी, राशि से 5th मंगल 22 मार्च तक काफ़ी राहत देगा, काफ़ी सपोर्ट करेगा इनकम के मामले में, और सबसे बड़ी चीज़ अपमान अपमान से भी रक्षा करेगा, अनहोनी से भी रक्षा करेगा। तो जो भी आप एफर्ट करना चाहते हैं उसमें आपको गेन मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं मकर राशि की। आइए अब बात करते हैं मकर राशि की, कैप्रिकॉन की। राशि से 4th हाउस में मंगल का प्रवेश हुआ है, उस मंगल के प्रवेश से आपकी माता का सुख बढ़ेगा, माता से लाभ बढ़ेगा, माता के स्वास्थ्य में अच्छा होगा, या माता के खुद के प्रभाव में वृद्धि होगी। मान लीजिए आपकी शादी होती है तो शादी होने से वो सास बन जाए, उनके पद वृद्धि हो जाएगी, उनकी देखभाल करने वाला व्यक्ति एक और घर में आ जाएगा तो उनके सुख में वृद्धि हुई। आपके खुद को प्रॉपर्टी में अगर वृद्धि होती है, भूमि भवन वाहन के सुख में वृद्धि होती है, तब भी आपके घर में सुख की वृद्धि होगी। सुख सुविधाओं की वृद्धि होने का अर्थ यहाँ पर सभी के लिए सुख है। अब मंगल की दृष्टि, 4th दृष्टि उनकी 7th हाउस पर है, तो 7th हाउस मंगल का नीच राशि वाला स्थान है, तब 4th हाउस है जीवन साथी का, 4th हाउस है पार्टनरशिप का, तो 4th हाउस से रिलेटेड आपको तकलीफें हो सकती है, अतः जीवन साथी से समस्याएं हो सकती है, या जीवन साथी के स्वास्थ्य को समस्या हो सकती है, अनबन हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है, और ये मनमुटाव टेम्परेरी होगा, 22 मार्च तक आपको केयरफुल रहना है। मंगल साझेदारी का भी मालिक 7th हाउस, अगर बात करें तो मंगल साझेदारी में फूट डालने का काम भी कर सकता है, क्योंकि मंगल का मतलब क्रोध और आवेश से भी है। 4th हाउस में जब मंगल होता है उसे मंगली कुंडली भी कहा जाता है, तो मंगली कुंडली का अर्थ भी यहाँ पर यही है कि 1st हाउस में, 4th हाउस में, 7th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में जब मंगल होगा तब मंगली कुंडली कही जाती है, और मंगल का मतलब यही है कि जहाँ भी मंगल होगा उसकी दृष्टि ऐसे स्थान पर पड़ती है कि उसके सुख में, उसको मिलने वाले सुख में कमी आती है। तो यहाँ पर मंगल 4th हाउस में बैठ करके 7th हाउस को दृष्टिपात करेगा, उससे जीवन साथी के साथ में अनबन या ग्रस्त सुख में, दाम्पत्य सुख में कमी, दाम्पत्य सुख में बाधा की स्थिति में सामने आएगा। अब मंगल की 7वीं दृष्टि से वो 10th हाउस को देखता है, कर्म स्थान को देखता है, जो कि एक अच्छी बात है। तो 10th हाउस में कर्म को देखने से या आपके कार्य क्षेत्र को देखने से वहाँ पर आपको अधिक कार्यवान बनाएगा, आपको अधिक बलवान बनाएगा, आपको अधिक ऊर्जावान बनाएगा, और आपको अधिक सफल बनाने का काम करेगा, क्योंकि मंगल के अंदर जो भी मैनेजमेंट है, जब भी मंगल कुंडली में बलवान होता है तो उसे कहा जाता है ये अकाउंट्स में विद्वान बनेगा, या ये इंजीनियरिंग में विद्वान बनेगा, इंजीनियरिंग में शिक्षा लेगा, इंजीनियरिंग में सफल होगा, क्योंकि उसकी तात्विक क्षमता बढ़ जाती है, उसके आर्ग्यूमेंट पावर, उसके अंदर किसी चीज़ को डिसीजन लेने की, उस मैनेजमेंट करने की, समय साधने की, उस प्रक्रिया में वो सबसे ज़्यादा बलवान माना जाता है, सबसे ज़्यादा सक्षम माना जाता है। तो यहाँ 10th हाउस पर मंगल की दृष्टि से आपके कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, जो आपका कार्य क्षेत्र है, जो आपका एनवायरनमेंट है, वहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और पावर बढ़ेगा, आपकी उपलब्धता, आपकी महत्वपूर्णता प्रभाव में बदल जाएगी। ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ जाएगा और आपको एक अच्छी पोस्ट भी मिल सकती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अब मंगल की 8वीं दृष्टि कुंडली में 11th हाउस को देखती है, कुंडली का अर्थ यहाँ पे राशि कुंडली है, और मैं जो बात कर रहा हूँ वो सारा विश्लेषण मून साइन से रिलेटेड है। मून साइन का अर्थ यहाँ पर करोड़ों लोग हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सब आपके बारे में ही बात कर रहा हूँ, आपकी राशि के जो लोग हैं उनके बारे में ये बात की जा रही है। यदि आपको सिर्फ और सब अपने बारे में ही जानना हो तो आपको अपनी कुंडली या तो मेरे पास भेजनी पड़ेगी, और या आपको ईमेल के थ्रू, यह आपको टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के थ्रू बात करनी पड़ेगी। और सबसे अच्छा है कि आप कभी आकर के बैठें सामने और हम और आप आपकी कुंडली पर विश्लेषण करें और सारे शंकाओं का, आपकी सारी समस्याओं का, आपके सारे प्रश्नों का जवाब ढूंढ करके उसके आधार पर ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, तब जिंदगी का, तब ज्योतिष का फ़ायदा ज़्यादा आपको मिल सकता है। मंगल की 11th हाउस पर दृष्टि से इनकम बढ़ेगी,
आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, नेम फेम बढ़ेगा, एप्रिसिएशन बढ़ेगा, जो भी आपके एफर्ट हैं उनसे आपको गेन मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा बेटर स्थिति आपको इस समय काल में 22 मार्च तक आपको गेन के रूप में देखने को मिलेगी। सिर्फ सावधानी आपको जीवन साथी से संबंधित या साझेदारों से संबंधित रखनी है। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की, एक्वेरियस की। तो राशि से थर्ड हाउस में मंगल का राशि प्रवेश सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बहुत सी राशियों में बताया है कि राशि से थर्ड, सिक्स और इलेवंथ मंगल का राशि परिवर्तन विशेष शुभ माना जाएगा, विशेष गेनफुल माना जाएगा, सब मिला करके सबसे अच्छा फल देने की स्थिति में माना जाएगा। तो यह स्थिति मेष राशि में, मिथुन राशि में, वृश्चिक राशि में सबसे ज़्यादा शुभ है। जो भी आपने राशिफल देखा है मंगल का, उसमें मेष राशि आपको सबसे अच्छी फल देने वाली मानी गई है, वृश्चिक राशि सबसे अच्छा फल देने वाली मानी गई है, और अब कुंभ राशि सबसे अच्छा फल देने वाली मानी जा रही है। क्योंकि कुंभ राशि में राशि से थर्ड स्थान में मंगल का राशि प्रवेश सबसे ज़्यादा शुभ है, क्योंकि मंगल की दृष्टि कुंडली में सिक्स हाउस पर है, जो कि बेटर है। मंगल की दृष्टि कुंडली में भाग्य स्थान पर है, वो और ज़्यादा बेटर है। और मंगल की स्वराशि पर अर्थात वृश्चिक राशि पर, राशि से टेंथ हाउस पर दृष्टि और ज़्यादा बेटर मानी गई है। तो राशि से थर्ड मंगल आपके नेम फेम, आपकी गुडविल, आपके बाहुबल, आपकी एनर्जी लेवल और आपके छोटे भाई बहनों के साथ में सामंजस्य बढ़ाएगा, आपके दोस्तों से सपोर्ट दिलवाएगा, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है उनसे और ज़्यादा सपोर्ट और ज़्यादा आपको एफर्ट्स करने से, या ये बोल सकता हूँ आपकी उन्नति में, आपकी सफलता में वो मददगार बन जाएंगे, वो अपने आइडिया से आपको सपोर्ट करेंगे। आपके छोटे भाई बहनों से आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके बाहुबल में आपको स्ट्रेंथ महसूस होगा, अर्थात आपको अपनी शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि मिलेगी। राशि से सिक्स हाउस पर दृष्टि है, इसका मतलब है रोग, कर्ज, कंपटीशन, वाद विवाद, क्लेश, इन चीज़ों से भी आपकी रक्षा होगी, इन चीज़ों से भी आपको छुटकारा मिलेगा, या इन चीज़ों का आपको कष्ट नहीं सहन करना पड़ेगा। मंगल की दृष्टि कुंडली में भाग्य स्थान पर है, तो यहाँ पर भाग्य का सुख आपको मिलेगा। भाग्य बलवान होने से धर्म के रूप में धार्मिक यात्राएं, भगवान की पूजा उपासना में मन लगना, या ये बोल सकते हैं कि जो आपकी किस्मत है, किस्मत का फल कर्म फल के बाद के रूप में मिलना, अर्थात कर्म करने की प्रेरणा भी किस्मत से ही मिलती है। तो यहाँ पर जो ये टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड आपको सक्सेस देगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, यात्राएं जो होगी आपको उनमें सुख मिलेगा, उनमें आपको प्रगति उन्नति मिलेगी, और जो यात्राओं की मकसद है, कामना पूर्ति वो होगी। राशि से एट्थ दृष्टि है, वो कुंडली में कर्म स्थान पर है। कर्म का अर्थ है जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी आप व्यापार करते हैं, जो भी आप नौकरी करते हैं, या जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, या जो कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी को अपने कर्म क्षेत्र में एफर्ट का सुख मिलेगा। जो भी आप एफर्ट कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी, या कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी। तो सब मिलाकर के कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को मंगल का राशि पतन 22 मार्च तक बहुत अच्छा शुभ फल देने की स्थिति में है। अब बात करते हैं मीन राशि की। अब बात करते हैं मीन राशि की। राशि से सेकंड हाउस में मंगल का राशि प्रवेश हुआ है। सेकंड हाउस धन संपत्ति का, ससुराल का, वाणी का, राइट आई का, और आपकी वाणी मतलब टॉकिंग पावर जो है उसका भी है, और आपकी याददाश्त का भी है, ब्रेन पावर का भी है। तो सेकंड हाउस में मूल त्रिकोण राशि का मंगल सबसे ज़्यादा आपकी जबान को रूखा कर सकता है, आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर सकता है, इमीडिएट रिएक्शन करने वाले आप पर्सन आप बन जाएंगे, बहुत बहुत जल्दी से निर्णय लेने की क्षमता आप में आ जाएगी, लेकिन उसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है। बहुत से काम आपको सोच विचार के करने चाहिए, उसकी जगह आप इमीडिएट फैसला लेकर के प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं। कई बार ये होता है वाद विवाद की स्थिति में, उस समय को, उस परिस्थिति को टाल देना ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि नहीं तो बात बिगड़ सकती है। इसलिए अपनी भाषा पर, अपने एक्टिवनेस पर कुछ कंट्रोल की ज़रूरत है, ताकि आपका परिवार भी सुखी रहे और आप भी अधिकारियों का, लोगों का कोप भाजन नहीं बने, अतः लोग आपके बारे में गलत धारणाएं नहीं बनाएं, ना आपके बारे में गलत बोल पाएं।
मंगल की चौथी दृष्टि कुंडली में फिफ्थ हाउस पर है, जहां पर कि मंगल की नीच राशि है। तो विशेषकर मीन राशि वाले व्यक्ति जो भी एग्जाम दे रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, उन लोगों को इस समय बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, दोस्तों से भी और अपने शारीरिक स्थिति से भी। हो सकता है एग्जाम से ठीक पहले आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, चाहे बुखार आ जाए, हेल्थ में गड़बड़ आ जाए, या दोस्तों के कारण आपको नाराजगी झेलनी पड़े दूसरों की, इस कारण आपको सावधान रहना है और अपने खुद के कार्यकलाप पर नियंत्रण रखना है। ऐसा नहीं हो कि आप कोई पर्ची वर्ची बनाए और आप पकड़े जाएं, तो आपकी पूरी साल भर की मेहनत एक छोटे से लोभ के वसीभूत पूरा साल खराब हो सकता है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पढ़ने लिखने में ध्यान रहें, ज़्यादा जानने का प्रयास करें, ज़्यादा जिज्ञासु बने, उससे आपकी स्थिति ज़्यादा बेटर होगी वनस्पत की। आप ये छोटे मोटे शॉर्टकट अपनाएं, शॉर्टकट अपनाने से कोई भी आदमी बड़ा नहीं बनता है। अब मंगल की सातवीं दृष्टि कुंडली में एट्थ हाउस पर है, एट्थ हाउस पर मंगल की दृष्टि होना अच्छा है, क्योंकि मंगल जहाँ पर देखता है, शनि जहाँ पर देखता है वहाँ पे नेगेटिविटी को जलाने का काम करता है, नेगेटिविटी देता है। तो यहाँ पे एट्थ हाउस खुद नेगेटिविटी का है, तो आठवें घर पे मंगल की दृष्टि से होगा क्या कि आपके साथ में जो अनहोनी होने वाली उससे रक्षा होगी, आपकी आयु में वृद्धि होगी, कोई एक्सीडेंट यदि होने वाला है तो आप बाल बाल बच जाएंगे, आपकी मति आपको कंट्रोल में रखेगी, नियंत्रित रखेगी। साथ ही साथ एट्थ हाउस बाहरी सहायता का भी है, बाहरी सुख का भी है, बाहरी संसाधनों से लाभ का भी है, अर्थात बाहरी संसाधन से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, सपोर्ट आपको मिल सकता है, इससे भी आपकी स्ट्रेंथ में वृद्धि होगी, आपकी पोजीशन में एनहांसमेंट आएगा। मंगल की आठवीं दृष्टि भाग्य स्थान पर है और मंगल की खुद की राशि भी वृश्चिक की राशि है, तो अपनी खुद की राशि को मंगल वहाँ देख करके और स्थिति को नियंत्रित करेगा और बलवान करेगा और उसमें फायदा देगा। तो मंगल आठवीं दृष्टि अर्थात वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि का अर्थ यहाँ पर आपकी राशि से भाग्य भाव, भाग्य का बलवान होना, भाग्य का सुख मनना, भाग्यवशात बहुत से काम हो जाना जिसके लिए लोग काफ़ी प्रयास करते हैं, काफ़ी टाइम से उसके पीछे लगे रहते हैं, लेकिन आपको अनायास वो चीज़ें मिल सकती है, वो गेन मिल सकता है, वो एप्रिसिएशन मिल सकता है, वो जॉब मिल सकता है और वो कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, वो एजेंसी मिल सकती है। जो भी बिजनेसमैन है उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि इस समय भाग्य का फल लेने के लिए एफर्ट करें उस ओर, जो कि आपका काम अटका हुआ था। धार्मिक यात्राएं हो सकती है, परिवार के साथ में बाहर घूमना फिरना हो सकता है और कोई शुभ कार्य पर खर्चा हो सकता है, शुभ यात्राओं पर खर्चा हो सकता है। इसलिए मीन राशि के व्यक्तियों को भी मंगल का राशि परिवर्तन भाग्य का संबल प्रदान करेगा। तो मीन राशि के व्यक्तियों को मंगल का राशि प्रवेश, जहाँ विद्यार्थियों को बहुत सावधान रखने की सलाह है, तो वहाँ पे एट्थ हाउस में मंगल की दृष्टि से आपको सहायता मिलेगी, भाग्यस्थान पर दृष्टि से आपका भाग्य मजबूत होगा, भाग्य का फल मिलेगा। तो आपके लिए मंगल का राशि प्रवेश 22 मार्च 2019 तक शुभ है, मंगलकारी है। अब बात करते हैं मंगल के उपायों की, अब बात करते हैं मंगल के उपायों के बारे में। जिन राशि वाले व्यक्तियों को मैंने मंगल का प्रतिकूल प्रभाव बताया है, वो व्यक्ति मंगल के मंत्र जाप कर सकते हैं रोजाना दैनिक रूप में। जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, जो नहीं पूजा पाठ करते हैं उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आपके 5-10 मिनट पूजा उपासना स्थान पर बिताने से आपकी स्ट्रेंथ में वृद्धि हो सकती है, आपकी इंटरनल कॉन्शियसनेस में वृद्धि हो सकती है, आपको कुछ भी अनहोनी होने से पहले सावधान होने की जिज्ञासा प्राप्त हो जाएगी, आपको वो इंट्यूशन पावर आपको मिल जाएगी, वो सिक्स सेंस आपकी डेवलप हो जाएगी, जिससे कि आप नेगेटिविटी से बच सकते हैं, जिससे भी अनहोनी से बच सकते हैं। भगवान की पूजा उपासना से डायरेक्ट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई भगवान आकर के आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं डालेगा। भगवान की पूजा उपासना से आपके अंदर ही शक्ति वृद्धि होगी, आपकी बुद्धि बल बढ़ेगा, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, उसी चीज़ से आपका फायदा मिलेगा। तो मंगल का मंत्र जाप बहुत ही छोटा सा है, यदि नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं और नहीं तो ऑफिस में फ़ोन करके आप उनको बोल दीजिए, व्हाट्सएप में फ़ोटो खींच करके भी भेज देंगे। ओ क्राम क्रीम क्रोम सह भोमाय नमः, KRAM क्राम है, KREEM क्रीम है, KROUM क्रोम है, इसको प्रोनाउंस को समझना जरूरी है। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भोमाय नमः,
कोई संख्या की जरूरत नहीं है। जब भी आपका मन हो ट्रैवल करते हुए बस में गाड़ी में पूजा स्थान पर बैठ करके अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो दैनिक क्रिया में आप चलते फिरते भी मंत्र जाप कर सकते हैं, उसको भक्ति बोला गया है तो भक्ति का फल भी आपको मिलता ही है। अब बात करते हैं दान की। मंगल के दान क्या है? लाल वस्तुओं का दान है। आप मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, आप गुड़ का दान कर सकते हैं, आप अनार का दान कर सकते हैं, आप ऐसी चीज़ों का दान कर सकते हैं जो कि खाने पीने की वस्तुएं। सबसे जल्दी जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो खाने पीने की चीज़ों से मिलेगा। बहुत सी बार लोग व्यक्ति क्या करते हैं, लाल कपड़ा दे देते हैं, लाल कंबल दे देते हैं, किसी व्यक्ति को जरूरत ही नहीं है और वो दान किया आपने तो वो जब यूज़ करेगा तो उसका फल मिलेगा। अन्यथा आप खाने पीने की चीज़ों का दान करेंगे और दान किसको करना है, जो ज़रूरतमंद है, जो नीडी पर्सन है, आपके घर काम करने वाली बाई आती है आप उसको दान दीजिए, वो नीडी है, ठीक है। आपका गेट कीपर है उसको दान दे दीजिए, आप सिग्नल पे बहुत से बच्चे खड़े रहते हैं उनको दे दीजिए। कोई भी लाल वस्तु का लाल फल का दान करना आपके लिए अच्छा है। अब मंगल का रत्न, जो भी अच्छा फल है उन व्यक्तियों को मंगल का रत्न पहनना और ज़्यादा उसके प्रभाव में वृद्धि करेगा। जिनकी मेष राशि है वृश्चिक राशि है वो तो मंगल का रत्न मूंगा पहन ही सकते हैं। मंगल का रत्न मूंगा जिसको इंग्लिश में रेड कोरल कहा जाता है, कम से कम 5 कैरेट का पहनना है, रिंग फिंगर में पहनना है, कोई भी धातु में पहन सकते हैं। लोग प्राय आते हैं और पूछते हैं कौन सी धातु में पहनना है, सोना चांदी लोहा तांबा पीतल प्लास्टिक किसी में भी पहनिए, आपको स्टोन असर करेगा, सोना चांदी असर नहीं करेगा, क्योंकि सोना और चांदी दो ही ज्वेलर्स के यहाँ यूज़ होती है। कोई भी अंगूठी बनाने के लिए पेंडल बनाने के लिए ज्वेलर्स जिसको बोलते हैं वो दो ही धातु का यूज़ करते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग आपको सोने या चांदी बोलेंगे, लेकिन उस सोने चांदी से कुछ भी फल नहीं मिलेगा, आपको रत्न फल करेगा, खांसी की दवाई असर करेगी, कौन से चम्मच से लेंगे उसका लेना देना नहीं है, इतना सा समझने की ज़रूरत है। तो मूंगा जिन व्यक्तियों को अच्छा फल मिलने वाला अनुकूल फल मिलने वाला है वो मूंगा पहन सकते हैं, जिनको प्रतिकूल फल मिलने वाला है जिनको मैंने नेगेटिव बोला है वो मंगल का दान करें। हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में जा करके आप सिंदूर का चोला चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप दैनिक पूजा उपासना में हनुमान चालीसा का पाठ या उससे भी अच्छा है बजरंग बाण का पाठ करें। यदि आपको कहीं पर भी शंका हो बजरंग बाण का हनुमान चालीसा का या मंगल का मंत्र नहीं मिल पाए, आप निसंकोच हमसे संपर्क करें, हम आपको व्हाट्सएप के अंदर डाउनलोड करके JPG के रूप में PDF के रूप में किसी न किसी रूप में आपकी सहायता जरूर करेंगे और ये सहायता निःशुल्क होगी। कोई भी ग्रह का राशि परिवर्तन जब भी होता है यदि समय से पहले यदि आपको पता चल जाए तब क्या होगा, आप और अधिक सावधान या अच्छा फल मिलने वाला है तो और अधिक ऊर्जावान और अधिक कॉन्फिडेंस में आकर के ज़्यादा उसका फल ले सकते हैं। अपने जीवन में एक नियम बना लीजिए कि कम से कम एक वर्ष में एक बार तो पंडित जी से जरूर मिलना है, कोई न कोई विद्वान ज्योतिषी से जरूर मिलना है। उससे क्या होगा, आने वाले समय की आपको रूपरेखा पता चल जाएगी, आने वाला अच्छा समय या बुरा समय उसकी गणना आपके सामने स्पष्ट होगी और उससे आपके लिए फायदा है, उससे आपके लिए लाभ के अवसर ज़्यादा हैं, उससे आपको नुकसान से बचने के अवसर ज़्यादा मिलेंगे। उपायों के अंदर उपाय दो प्रकार के हो सकते हैं, एक जो ग्रह अच्छे हैं उन्हें और बलवान बनाया जाए और एक ग्रह जो नेगेटिव है उन्हें और शांत किया जाए। तो यह सब कुछ पता चलेगा जब आपकी कुंडली होगी, जन्म कुंडली होगी, जन्म कुंडली के साथ में डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ ये होने से हमारे सामने पूरी डिटेल होगी और उसके बाद में आपसे बात की जा सकती है, संपर्क साधा जा सकता है, फ़ोन पर बात की जा सकती है, ईमेल पर बात की जा सकती है, फेसबुक पे बात की जा सकती है, व्हाट्सएप पे बात की जा सकती है और आप और हम सामने बैठ के भी बात कर सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा बेटर उपाय है। आज बस इतना ही। यदि आप कोई भी विषय पर विश्लेषण चाहते हैं, चर्चा चाहते हैं, आपके मन में शंका है, आप निसंकोच हमें वो अपनी जिज्ञासाएं बताइए तक हम आपके लिए वो एपिसोड बना सकें, ताकि जन सामान्य को भी ज्योतिष के बारे में जो भ्रांतियां हैं वो भ्रांतियां ठीक होकर के सही मार्गदर्शन सही जानकारी मिल पाए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने जीवन में सही या गलत क्या है उसके ऊपर निर्णय अपना खुद का रखिए, ना कि दूसरों के बहकावे में आकर के अपना निर्णय लें। नमस्कार।